हरियाणा की सत्ता में भाजपा के साथ 4.5 सालों तक गठबंधन में रही जननायक जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल घड़ी आ चुकी है। पार्टी के 5-5 विधायकों ने बागी रुख अख्तियार किया है। वहीं आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने भी जजपा से इस्तीफा देने का ऐलान कर दुष्यंत और अजय सिंह चौटाला को जोरदार झटका दिया है। खांसी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अलग अलग कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निशांत सिंह के इस्तीफे को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए निशांत सिंह के इस्तीफे की खबर उन्हें मिली है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर कोई इस्तीफा पार्टी को नहीं मिला है। दुष्यंत ने इस मौके पर यह भी कहा कि पार्टी के कई लीडर उनसे संपर्क कर रहे हैं और इस पूरे मामले में यही कहना है कि निशांत सिंह को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सर, प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, देखिए मेरे भी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। औपचारिक तौर पर कोई इस्तीफा पार्टी के पास आया नहीं है और आएगा। पार्टी ने तो जो मान सम्मान दिया है, मैं मानता हूँ वो उनकी इच्छा होगी कि उनने राजनीतिक सफ़र की कोई नई शुरुआत करने का अगर निर्णय लिया। पार्टी के अनेक लोग उनसे निरंतर संपर्क कर भी रहे हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना जो निर्णय उन्होंने किस हालात में लिया है उस पर पूर्ण विचार। दरअसल निशांत सिंह के साथ साथ आज ही जजपा के दो अन्य बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। पार्टी की प्रदेश महिला सचिव ममता कटारिया व कमलेश सैनी ने भी जजपा से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के बीच बड़े नेताओं का इस्तीफा और शीर्ष नेताओं का धरातल पर विरोध जजपा के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सर, विरोध आपका भी हो रहा है, विरोध बीजेपी के कैंडिडेट्स का भी हो रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक जो है आप दोनों के ही कार्यकाल से नाराज लग रही है। चलो, मैं तो एक चीज मानता हूँ, जो काम हमने किसानों के लिए करे आज वो देखने बहुत जरूरी है, चाहे उसको दो दिन में उसकी फसल की कीमत देने की बात हो, चाहे मंडी के अंदर इमिडिएटली उसकी फसल खरीद के उठान की बात हो। आज 20 दिन हुए हैं सरकार से अलग और इसके अंदर भी किसान को जो परेशानी आ रही है, मैं मानता हूँ किसान की आवाज़ सुनने रखने वाला आज सरकार में कोई है और विरोध करेंगे वो भी अपने, उनकी सुनेंगे भी और उनकी सुनकर जो बात कहेंगे उसके ऊपर फैसला भी करेंगे। पर मैं ये मानता हूँ कि विरोध भी उसी का होता है जो मजबूत। चुनाव के बाद भी गठबंधन हो सकता है आपका? मैं आज इस चीज़ पे ना तो कुछ कहूँगा ना कहने के पोजीशन में हूँ। भविष्य में कौन किसके साथ जाएगा, क्या परिस्थितियाँ बनेगी, ये तो भविष्य की गर्व में। जो उद्देश्य हमारा है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से लोकसभा में भी हमारे सदस्य हरियाणा की आवाज़ बनकर पहुँचे और विधानसभा के अंदर भी साथी जीत कर संख्या बल के साथ। बता दें कि जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है और पार्टी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया है। हालांकि निशांत सिंह ने जजपा छोड़ने की वजह का खुलासा नहीं किया है, मगर ये संकेत जरूर दिए हैं कि जजपा में कई मुद्दों को लेकर उनमें असंतोष था, जिसके चलते उन्होंने जजपा को अलविदा कह दिया। आपको ये भी बता दें कि निशांत सिंह किस पार्टी में शामिल होंगे, इसको लेकर उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं हैं और सूत्रों के मुताबिक जजपा से इस्तीफा देने से पहले निशांत सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।